हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से स्वीट स्टाइल भुट्टा। इसको भुट्टा भी बोलते हैं, स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं और पंजाबी में छली बोलते हैं। तो मैंने ये दो छलियों को ले लिया है, ये मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तकरीबन ये एक घंटा हो गया है। ये देखें, इस तरह मैंने इसको स्टीम पे पकाया है। तो ये पानी देगची में डाल के और उसमें नमक डाल के, और ये मैंने स्टैंड रखा था और उस पर मैंने रखा है। तो ये हमारे भुट्टे जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे, ये सॉफ्ट हो गए, गल गए हैं, बहुत गर्म है। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। इस तरह हम बहुत एहतियात के साथ इसको निकाल के यहाँ रख लेंगे। दूसरा भी और चूल्हे को हम कर देंगे बंद। और ये भुट्टे जो हैं इसके लिए हमने ये देखें लिए हैं लेमन, और ये हमारे पास है चाट मसाला, बिल्कुल बाजार में इसी तरह मिलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इस पे लगाते हैं चाट मसाला। तो दो हमने ये आइसक्रीम स्टिक ले ली है, और ये जो हमारा भुट्टा है इसको हम अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। ये ऊपर इसके बाल से लगे हुए होते हैं, और यहाँ से हम दोनों भुट्टों को, गरम है, थोड़ा एहतियात के साथ ऐसे काट लेंगे। और हम इसको इसमें ये जो आइसक्रीम स्टिक है ये डाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये चले जाती है, और इस तरह हम इसको पकड़ के खा सकते हैं। ये दूसरी स्टिक हम इसमें भी लगा लेंगे, और काफ़ी गर्म है ये, इसको भी थोड़ा समय पहले काट लूँगी यहाँ से। और इसमें भी ये देखिए ये हमने लगा लिया है। अभी हम इसको लेंगे चाट मसाला। इस तरह हम इसको लेमन पे चाट मसाला लगाएंगे, और इस तरह पकड़ के हम इसको पूरे भुट्टे पे इस तरह लगा लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, और बाज़ार में जब भी जाते हैं नज़र आती है तो लाजमी इसको खाते हैं हम लेके, बहुत ही मज़ेदार। और अभी आप घर पे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी डस्ट वगैरह ऊपर होती है, और हम घर पे इसको साफ़ सुथरे तरीके से बना के और इसको खा सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी पे भी लगा लेंगे। तो ये देखें दोनों पे मैंने लगा ली है, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे भुट्टे स्ट्रीट स्टाइल बनके रेडी हो गए हैं। और अभी मैं आपको खा के बताती हूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें बिल्कुल भुट्टा हमारा जो है ना गल चुका है। ये देखें आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मैं याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।